शनिवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पलवल के विधायक दीपक मंगला के घर का घेराव किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पलवल में करीब दोपहर 2 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंची, लेकिन विधायक किसी कार्यक्रम में होने के चलते उनसे नहीं मिल पाए। वहीं इस मौके पर CTU के प्रधान मौजूद रहे। 8 दिसंबर से पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पूरी तरह हड़ताल पर है 100%। उसके बावजूद विधानसभा का सेशन चला हुआ है। आज सभी विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारी मांग विधानसभा में उठाइए, और विधानसभा में मांग उठाने के बाद आप उनको लागू करवाइए। मोटे तौर पे 2018 में आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में सरकार ने हमसे लिखित समझौता किया था। उस लिखित समझौते में कि महंगाई भत्ता इनको देना पड़ेगा सरकार को, ये उन्होंने माना था। 50% कोटा प्रमोशन का वर्कर से सुपरवाइजर में माना था, उसको आज तक लागू नहीं किया। मकानों का जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनका किराया 3,000 और 5,000 उसमें तय हुआ था। 200 रुपये पलवल में ये आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया दे रहे हैं। यहाँ 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। बच्चों का जो राशन बनाया जाता उसके लिए गैस सिलेंडर की राशि नहीं मिलती, वर्दी की राशि नहीं मिलती लंबे समय तक। इन सारी मांगों को लेकर आज देवीलाल पार्क में सारी आंगनवाड़ी पूरे जिले की इकट्ठी हुई, और वहाँ से जुलूस लेकर मंगला जी के आवास पर हैं। और जब तक मंगला जी नहीं आएंगे, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, पूरी तरह यहाँ प्रदर्शन रहेगा। और अगर उन्होंने शाम तक भी नहीं आया तो हम तो मंगला जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा रात को ठहरने का भी इंतजाम करें। हम करो और मरो की नीति पर उतर आए हैं, और ये हड़ताल हमने 28 तक बढ़ा दी है। अगर इन्होंने बात नहीं सुनी तो 28 तारीख तक भी हम ऐसा आंदोलन करेंगे। पूरे हरियाणा में विधायकों का घेराव किया जा रहा है। ज्यादातर मंत्रियों का और विधायकों का घेराव कर रहे हैं सत्ता पक्ष के, क्योंकि विपक्ष वालों से तो रिक्वेस्ट करनी होती है, वो तो हमारी बात उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा। इसलिए सभी विधायकों का, और इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम बाकी जो जिले के विधायक हैं उनके आवास पर भी अपना प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए किसान संगठन के कार्यकर्ता थे, वो भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी मांगे हैं जो कई सालों से चल रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन किया है उसका कदम उठाया है। 8 दिसंबर से धरना प्रदर्शन पलवल में लगातार चल रहा है लघु सचिवालय पर। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बिल्कुल अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े, लेकिन वो इस बार आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी। शनिवार को पलवल के विधायक दीपक मंगला के घर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, महिला पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद रही, लेकिन खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पलवल के विधायक दीपक मंगला के खिलाफ नारेबाजी की गई, हथीन के विधायक और होडल के विधायक जगदीश नायर व प्रवीण डागर के खिलाफ भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष था। उनका कहना था कि विधायक जो हमारे हलके के हैं वो यहाँ से आवाज़ उठाए, हमारी मांगों को विधानसभा तक पहुँचाए, सदन में हमारी बातें गूंजनी चाहिए, हमारी जो मांग है उनका समर्थन किया जाना चाहिए विधायकी ओर से। और वहीं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि सरकार से लड़ाई लड़ते हुए करीब 2 साल हो गए हैं अपनी मांगों को, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विधायक के घर के सामने बैठकर विधायक के घर का घेराव किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हम धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, नहीं हटेंगे और अड़े रहेंगे। और वहीं एक कार्यकर्ता का कहना था कि यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो निरंतर ऐसा रहेगा। नहीं जी, यहाँ पे हड़ताल करते हुए काफ़ी दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना, तो हमारी 2018 में जो मांगी थी हमें, हमारी पूरी लेके हम फिर से धरने पे बैठे हुए हैं।
हमारे बीच, हम इसीलिए हाँ आज दीपक मंगला जी के घर पे आए हुए हैं कि हमारी जो बात है वो आगे पहुंचा सके। वो अपने उसमें जाएंगे विधानसभा में, तो वहाँ पे जाके हमारी बातों को आगे रख सके कि हम किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वो तो सब अपने आराम से बैठे हुए, हम सर्दी में किस तरह से हम सड़कों पे चल रहे हैं। हम वहाँ से 2 किलोमीटर दूर चल के यहाँ पे आए हैं, परंतु दीपक मंगला जी अभी तक यहाँ पे आए नहीं है, आधा घंटा हो चुका है। क्या क्या मांगे हैं आप जी? हमारी 2018 में उन्होंने 1500 रुपये बढ़ाए थे ना, तो वो अभी तक हमारे आए हुए हैं। महंगाई भत्ता उन्होंने देने के लिए कहा था कि हर 6 महीने में 500 रुपये दिए जाएंगे ना, अभी तक हमें वो आए हैं। और हमारी ये मांगे कि हमारी तनख्वाह 24,000 की जाए और हेल्पर की तनख्वाह 16,000 की जाए, क्योंकि इतनी महंगाई इतनी हो चुकी है, जो हमें तनख्वाह मिल रही है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। ना तो टाइम से किराया आता है सेंटरों का, ना सेंटरों पे टाइम से सप्लाई हो रही है, मतलब बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। आपका कहना है कि विधायक जी अभी आधे घंटे से नहीं आए, अगर नहीं आते तो विधायक आप क्या करेंगे? हम यहीं पे बैठे रहेंगे, कल तो मिलेंगे विधायक जी, हम तब तक हमें विधायक नहीं मिलते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लगातार अभी धरना जारी रहेगा? हाँ जी, अभी तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। आज पलवल के विधायक दीपक मंगला का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर घेराव किया गया है उनके स्थान का, और अभी तक दीपक मंगला यहां पर मौजूद नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या वजह है जो विधायक उनसे अभी तक नहीं मिले हैं। करीब तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर उन्हें हो गया है और हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है। क्या नाम है आपका? आज जो आपने विधायक का घेराव किया है उनके निवास स्थान का, क्या मामला है? सर, हम 8 तारीख से इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आज दीपक मंगला जी के आगे हम अपने कुछ मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ सीट पर है नहीं, घर पर हमें मिले नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन है कि जो विधानसभा सत्र चला हुआ है उसमें हम अपनी उनसे कहें कि जो हमारी मांगे हैं वो विधानसभा में हमारी मांगों का मतलब उठाए। क्या हर विधानसभा में सभी विधायकों का घेराव आज हो रहा है? हाँ जी, हर विधानसभा में मतलब सभी जिलों में सभी का घेराव किया जा रहा है और सारी आंगनवाड़ी वर्कर हर जिले में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर मांग नहीं मारी जाती है या मुद्दा नहीं उठाया जाता है तो क्या कदम रहेगा आगे? सर, अभी हम वेट करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मामला क्या नाम है, क्या मामला है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये मामला है कि हम 2018 में बैठे, सरकार ने समझौता किया, वो अभी तक लागू नहीं किया, एक भी लागू नहीं किया आज तक। तो कितने दिन हो गए आप पे धरने प्रदर्शन को? 8 तारीख से बैठे हैं, 10वां आज हमारा 11वां दिन है आज। अगर सरकार मांग नहीं मानती है क्या होगा? तो यही है सभी कार्यकर्ताओं का कहना है, सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे भी जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और भी उग्र हो सकता है, कार्यकर्ताओं का ये कहना है। विधायक हालांकि अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, इंतजार हम भी करते हैं कि विधायक आखिर कितनी देर में आते हैं, कितना इंतजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है और विधायक की तरफ से क्या आश्वासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अपने सहयोगी जगन डागर के साथ जितेंद्र चौहान, देश में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।